तो मैं बनाने जा रही हूँ हम सभी की फेवरेट सोया वेज बिरयानी। आज की ये झटपट वाली सोया वेज बिरयानी हम कुकर में बनाएंगे और यकीन मानिए ऐसी टिप्स बताऊंगी कि आपके चावल का दाना एक एक खिला खिला खुशबूदार बिरयानी बनेगी, पूरा घर महक उठेगा। आप मेरी इस वेज बिरयानी की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, 10 मिनट में वेज बिरयानी तैयार होगी और वो भी स्वाद से कोई कम्प्रोमाइज नहीं, लगेगा जैसे होटल से आई है। बहुत ही सिंपल तरीका, कोई भी बना ले। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। होटल जैसी झटपट सुपर टेस्टी वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में लेंगे 1 कप सोयाबीन, जिसे हम सोया चंक्स भी बोलते हैं, और इस पर हम डालेंगे लगभग 2 कप गर्म पानी और बढ़िया से सोया चंक्स को गर्म पानी में भीगने देंगे, जिससे कि जो सोया चंक्स है बिल्कुल फूल के एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो जाएंगे। बस 5 मिनट ही हमें इसको भिगोना होगा। हम सभी जानते हैं कि सोया बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, तो इसको तो रख देते हैं अभी अलग। और अब यहाँ हम लेंगे 1.5 कप बासमती राइस। बिरयानी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप लॉन्ग ग्रेन या बासमती राइस ही लें, उससे बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनती है, दाना दाना चावल का खिला हुआ और लंबा रहता है। मेजरमेंट के लिए घर की कोई भी कटोरी या कप ले लीजिए, उसी अनुसार आप पूरा मेजरमेंट कर लें। अब यहाँ पर हम चावल को बिल्कुल बढ़िया से 2 से 3 बार धो लेंगे, पानी सारा निकाल देंगे और 20 मिनट के लिए चावल को बढ़िया से भीगने देंगे, जैसे चावल एकदम बढ़िया सोक हो जाए। अब यह जरूरी पॉइंट, चावल को बिल्कुल भी ओवर सोकिंग नहीं करनी है, वरना चावल आपके मैशी से हो जाएंगे, फिर बिरयानी का दाना दाना खिला हुआ नहीं बनेगा। चावल जैसे ही थोड़े से व्हाइट से हो जाए, आप समझ जाइए कि बिरयानी के लिए चावल बिल्कुल परफेक्ट है। सारे ही टिप्स आपको बताती जा रही हूँ, जिससे कि आपकी बिरयानी इस बार कुकर में भी एकदम खिली खिली दाना दाना अलग और खुशबूदार बने। चलिए तो अब हम तैयार करेंगे एक बहुत ही टेस्टी सा मैरिनेशन। तो उसके लिए एक बोल में सबसे पहले जो हमने सोया चंक्स पानी में भिगो कर रखे थे उसको हम निकाल लेंगे। सोया चंक्स को बिल्कुल बढ़िया से निचोड़ेंगे, जिससे कि इसमें बिल्कुल पानी ना रहे, जिससे कि जो हम मैरिनेशन बना रहे हैं उसके फ्लेवर्स को ये बढ़िया से अब्सॉर्ब कर पाए और फिर बिरयानी में बेहतरीन स्वाद आ पाए। बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बनती है, एकदम इजी तरीके से बता रही हूँ। आप इसे एक बार अगर ट्राई करेंगे तो मेरी गारंटी है आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। बनाने में एकदम सिंपल है, लेकिन टेस्ट के साथ कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा, आपको बिल्कुल होटल जैसी बिरयानी का स्वाद आएगा घर की बिरयानी में। बस इस तरह से सारे चंक्स को हम निचोड़ लेंगे और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, देगी मिर्च तो वो भी यूज कर सकते हैं, वरना रेगुलर वाली भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला और 2 बड़ा चम्मच डालेंगे बिरयानी मसाला, किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले सकते हैं, बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट बिरयानी का। और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी जरूर डालेंगे कसूरी मेथी, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा मैरिनेशन में। सभी चीजों को कर देंगे बढ़िया से मिक्स और अब इसमें नेक्स्ट जाएगा 5 बड़े चम्मच फ्रेश दही, सिंपल घर का जमा हुआ दही है जिसको मैंने बढ़िया से फेंट लिया था। थोड़ी सी डाल रही हूँ सिलेटेड हरी मिर्च और यहाँ मैंने ली है बिरयानी को और भी टेस्टी और बिल्कुल बाजार जैसा लुक देने के लिए थोड़ी सी वेजीज। तो ये मेरे लिए 1 गाजर जिसको मैंने इस तरह से चंक्स में कट कर लिया, 2 छोटे साइज के आलू बड़े बड़े साइज में मैंने कट कर लिया है और लगभग 1/4 कप के करीब फ्रेंच बीन्स। जो सब्जी आप डालना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये वेजीज को हम क्या करेंगे, यहीं पर डाल देंगे, इससे ये भी मैरिनेट हो जाएंगे और स्वाद बहुत बढ़ जाएगा जब आप बिरयानी खाएंगे। फ्रेश पुदीना थोड़ा सा डालिएगा बिरयानी में, बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। और थोड़ा सा गया फ्रेश हरा धनिया। लीजिए सब चीज हो गई बढ़िया से मिक्स, तो इसको रखते हैं अलग और तैयारी करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। उतनी देर में ये बढ़िया से मैरिनेट हो जाएगा, सारे जो फ्लेवर्स हैं वो अंदर तक समा जाएंगे। अब गैस पर एक कुकर चढ़ाएंगे और कुकर में डालेंगे लगभग 4 बड़े चम्मच ऑयल। सबसे पहले हम करेंगे थोड़ी सी प्याज को फ्राई। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप लगभग 2 प्याज इस तरह से स्लाइस्ड कर लें और उसके बाद इसको थोड़ा सा तेल में शैलो फ्राई कर लें। फ्राई प्याज यानी कि ब्राउन अनियन बहुत ही मस्त लगते हैं बिरयानी में, इसका मीठा मीठा फ्लेवर एकदम जबरदस्त टेस्ट देगा और लुकिंग में भी बहुत सुंदर लगती है फिर बिरयानी। और मीडियम हाई फ्लेम पर बिल्कुल बढ़िया से प्याज को गोल्डन होने तक भून लेंगे। और बस बढ़िया हमारी प्याज गोल्डन हो गई है, इस स्टेज पर प्याज को हम निकाल लेंगे। अब इसी कुकर में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी, ऑयल पहले से थोड़ा इसमें बचा हुआ है, थोड़ा सा घी डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा बिरयानी में। फ्लेम को रखेंगे यहाँ पर लो मीडियम और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा के तड़कते ही यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़े से खड़े मसाले, तो खड़े मसाले में मैंने लिया है 2 तेज पत्ता, थोड़ी सी मैंने ली है लौंग, 4 इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च साबुत और 2 दालचीनी के
टुकड़े, ये सारी चीजें हम घी में डाल देंगे और हल्का सा सौते कर लेंगे लो फ्लेम पर। इससे क्या होगा, जो खड़े मसाले हैं उसका सारा फ्लेवर घी में आ जाएगा और बिरयानी में जबरदस्त खुशबू देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने दो छोटे साइज की प्याज ली थी, उनको मैंने लंबाई में स्लाइस्ड में कट कर लिया है। प्याज ज्यादा बारीक मत काटिएगा, बिरयानी में ऐसी ही अच्छी लगती है। मतलब ऐसे समझिए कि थोड़ा गुलाबीपन पर आ जाए, तो लगभग 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से भून लेंगे। और यहीं पर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। पहले भी डाला है हमने मैरिनेशन में, तो बहुत ज्यादा ना डालें। जो तरीका और जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, इतनी बेहतरीन आपकी बिरयानी घर में तैयार होगी कि जो खाएगा यकीन मानिए आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा। इसी स्टेज पर अब इसमें जाएंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए लाल वाले, उनको थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है जैसे लुकिंग अच्छी आए बिरयानी में। टमाटर भी यहीं पर हम डाल देंगे। अच्छा, टमाटर डालने का फायदा क्या होता है, लुकिंग भी अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। दूसरा, जो राइस है उसमें मॉइस्चर बना रहता है, मतलब आपको सूखापन फील नहीं होगा। और टमाटर भी आप देख सकते हैं हल्के मशी से हो गए हैं, सिर्फ 1-1.5 मिनट ही हमें इसको भूनना है। अब हम लेंगे हमारा मैरिनेटेड मसाला। सारा मसाला जो अभी हमने मैरिनेट किया था पूरा इसमें डाल देंगे और सभी चीजों के साथ अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। सिर्फ 2 मिनट के सब चीजें आपस में मिलजुल जाएं और फ्लेवर एकदम मर्ज हो जाए। एकदम मस्त लग रही है ना, खाकर तो मजा ही आ जाएगा। और बस इस तरह से अब आप पूरे मैरिनेटेड मसाले को अच्छे से कर दीजिए स्प्रेड, मतलब एक लेयर जैसे बना लेंगे। यहाँ पर अब हमें कोई भी मसाला डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी चीजें पहले ही डाल चुके हैं, तो एकदम फिट है इसमें मसाले। बिल्कुल बढ़िया से इस तरह स्प्रेड कर ले। अब इसके ऊपर हम लेयरिंग करेंगे चावल की। और ये देखिए, जो चावल हमने भिगोए थे 20 मिनट के लिए, अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बढ़िया, देखिए हल्का सा ना इसमें व्हाइट लेयर सी दिख रही है। बस अब बिल्कुल परफेक्ट है चावल आपके बिरयानी बनाने के लिए। पानी मैंने सारा निकाल दिया था और चावल की पूरी लेयर इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर दे। सबसे पहले इसके ऊपर डालेंगे हमारा फ्राइड अनियन यानी ब्राउन वाला प्याज, जो भी हमने भून के रखा था ना, यही तो इसको देगा असली खुशबू और टेस्ट। अच्छी तरीके से इस तरह से एक लेयरिंग कर देंगे प्याज की। थोड़ा सा चुटकी भर डालिए गरम मसाला इसके ऊपर, इस तरह से हल्का सा डाल देते हैं नमक, जिससे जो चावल है उनमें फीकापन ना रहे, बैलेंस हो जाएगा। और अब इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सबसे जरूरी चीज बिरयानी की फ्रेश पुदीना। तो थोड़ा सा पुदीना बस इस तरह से ऊपर से लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे इसमें बढ़िया अरोमा आने के लिए केसर वाला दूध। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल लीजिएगा, नहीं हो तो इसके बगैर भी बिरयानी आपकी अच्छी ही बननी है। थोड़े से केसर के धागों को मैंने गर्म दूध में पहले ही भिगो दिया था, लगभग ऐसे 2 से 3 बड़े चम्मच दूध में, तो इस तरह से ये बढ़िया कलर इसमें आ गया है। साथ ही में यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शनल है, दिल करे डालिए, नहीं दिल करे मत डालिए। मैं इसको लुकिंग दे रही हूँ रेस्टोरेंट जैसी, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी, तो जब प्रेजेंट करेंगे बिरयानी को तो बहुत अच्छी लुकिंग आ जाएगी। और फाइनली इसके ऊपर जाएगा 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी, इससे फ्लेवर आएगा, चावल में मॉइस्चर बना रहेगा, एकदम शाइनी चावल हमारे तैयार होंगे। और अब आता है नंबर पानी का। प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ना, तो पानी का भी बिल्कुल परफेक्ट रेशो आपको बता रही हूँ। तो हमने यहाँ पर लिए थे 1.5 कप चावल। 1.5 कप चावल के अनुसार हम लेंगे 2.5 कप पानी, यानी 2.5 कप, 2 बड़े कप पानी डालेंगे और उसी कप का 1/2 कप पानी और डालेंगे, तो हो गया 2.5 कप। इससे ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, एकदम बिरयानी खिली खिली एक एक दाना अलग अलग खुशबूदार बने उसके लिए इतना पानी बिल्कुल परफेक्ट है। और इस पर लगाएंगे लिड। लिड लगा करके मीडियम हाई फ्लेम पर 1 विसल आने तक हम इसी तरह से बिरयानी को पकाएंगे और 1 विसल के बाद हम लो फ्लेम पर 2 मिनट बिरयानी को और पकाएंगे। बिल्कुल भी ढक्कन जल्दी नहीं खोलेंगे, इसी तरह लो फ्लेम पर 2 मिनट और पकने देंगे। उसके बाद जब पूरी स्टीम निकल जाएगी, प्रेशर पूरा निकल जाएगा, तभी हम लिड हटाएंगे। 1 विसल आ गई थी और 2 मिनट मैंने लो मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से बिरयानी को पकने दिया और अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसमें स्टीम नहीं है। जब पूरा प्रेशर निकल जाएगा तभी हम लिड हटाएंगे। और ये देखिए, वाओ, एकदम परफेक्ट हमारी बिरयानी तैयार हुई है, वो भी झटपट प्रेशर कुकर में। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना, बिल्कुल चावल मैशी नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट है टेक्सचर में। और ये देखिए, धीरे से फोक से आप इसको इस तरह उठाकर देखें, एकदम से करछी बिल्कुल ना चलाएं वरना चावल थोड़े मैशी से हो जाएंगे। परफेक्ट, एक एक दाना दाना अलग है, खिला खिला है, पूरा किचन महक रहा है खुशबू से। मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स, आपको दिल खुश हो जाएगा इसे खाकर। तो चलिए फटाफट करते हैं अपनी बहुत ही टेस्टी सोया वेज बिरयानी को सर्व। जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं,
चावल भिगोने की और जिस तरीके से हमने रेशो लिया आप बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा, मेरी गारंटी है नो फेल सुपर टेस्टी आपकी सोया वेज बिरयानी बनकर के तैयार होगी पहली बार में ही। और अच्छे से हमारी सोया चंक्स भी बिल्कुल बढ़िया पक गई हैं और साथ ही आप देख सकते हैं जो हमने वेजीज डाली थी, आलू डाला था, सब बिल्कुल बढ़िया से पक गए हैं। बताइए लग रहा है ना जैसे होटल से आई है। और साथ ही मैंने बिरयानी को सर्व किया है रायते और सैलेड के साथ। बस तो और क्या चाहिए, फटाफट वाली रेसिपी वो भी फुल टेस्ट के साथ। तो होटल जैसा खाना घर में बनाइए मेरे साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 दिल खोल के लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल कुक विद पारुल पर नए आए हैं तो आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और रोज देखिए मेरे साथ एक से एक बढ़िया खाना एकदम आसान और सरल तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।